बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं साबर हसैन। उम्मीद करता हूं आप भी अल्लाह के फजल करम से खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे दाल चावल। दाल चावल बनाने बहुत ही आसान है, तो आइए दाल चावल बनाते हैं। दाल चावल बनाने के लिए जो जो चीज़ें हमने ली हैं, आइए आपको दिखाते हैं। टमाटर लिया है, सब्ज मिर्च ली है, लहसुन लिया है, अदरक लिया है, प्याज लिए हैं, गरम मसाला लिया है, चावल लिए हैं, चने की दाल ली है जो हमने तकरीबन 4 घंटे से भिगो के रखी हुई है। ये वो चीज़ें हैं जिनके साथ हमारी दाल चावल तैयार होंगे। तो आइए हम सब्ज़ मसाला जात काट लेते हैं। सबसे पहले टमाटर काट लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टमाटर हमने काट लिया है, अब सब्ज मिर्च काट लेते हैं। सब्ज मिर्च हमने काट ली हैं, अब हम काट लेते हैं प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज हमने काट लिए हैं, अब हम अदरक और लहसुन का पेस्ट बना लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदरक को हम बारीक बारीक काट लेंगे ताकि पेस्ट बनाने में आसानी हो। अब हम अदरक और लहसुन का पेस्ट बना लेते हैं। अदरक और लहसुन का पेस्ट हमारा तैयार हो गया है। हमारा मसाला जात तैयार हो चुका है। अब हम बनाना शुरू करते हैं दाल चावल। आग हमने जला ली है, अब हम रखते हैं हंडिया को चूल्हे पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हंडिया में डाल लेते हैं ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें डाल लेते हैं प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे प्याज ने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है, अब हम इसमें डाल लेते हैं टमाटर। सब्ज मिर्च डाल देंगे। अब डाल लेते हैं लहसुन और अदरक का पेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन सब चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा पानी डाल लेंगे ताकि हमारा मसाला नीचे ना लगे। सुरख मिर्च डाल लेते हैं। मिक्स कर लेंगे। नमक डाल लेते हैं। नमक को मिक्स कर लेंगे। हल्दी पाउडर डाल लेते हैं। इसे भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मसाले को भून लेते हैं। मसाला हमने भून लिया है, अब हम इसमें डाल लेते हैं चने की दाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाल को अच्छी तरह भून लेंगे। दाल हमने भून ली है, अब हम इसमें डाल लेते हैं पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी हमने ज़्यादा रखा है क्योंकि हमने इसके साथ चावल बनाने हैं। अब हम इसे ऊपर से ढांप देंगे और दाल को 20 मिनट तक हल्की आंच पर पकने देना है। जब तक हमारी दाल पकती है उस वक्त तक हम चावल बना लेते हैं। दूसरे चूल्हे में जलाते हैं आग।
देजगी को रखते हैं चूल्हे पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देजगी में डाल लेते हैं ऑयल। ऑयल को गर्म होने देंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें डाल लेते हैं सफेद जीरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफेद जीरा सिर्फ चावलों में ही इस्तेमाल होता है। अब हम इसमें डाल लेते हैं पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी हमने 4 गिलास डाला है, क्योंकि हमने चावल 2 गिलास लिए थे। जितना चावल है उससे दोगुना पानी डालना। अब हम अपने पानी के गर्म होने का इंतजार करेंगे, ऊपर से डांप देते हैं। पानी हमारा उबलना शुरू हो गया है, अब हम इसमें डाल लेते हैं चावल। चावल डालने के बाद अब हम ऊपर से डांप देंगे और पकने देंगे चावलों को। हमें नमक का याद नहीं रहा था, अब हम इसमें नमक डाल लेते हैं। नमक को मिक्स कर लेंगे। ऊपर से देखते हैं हमारे चावल तैयार हुए हैं कि नहीं। चावल हमारे पक चुके हैं, अब हम इसको दम लगा देते हैं। अब हम खोलते हैं दम। माशाल्लाह चावल हमारे बहुत अच्छे बने हैं। अब हम चावलों को निकाल लेते हैं कनाली में। दाल भी हमारी तैयार हो चुकी है, अब हम इसमें डाल लेते हैं गरम मसाला जो कि हमने कूट लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हंडिया को चूल्हे से उतार लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाऊद हां जी, नीब हां जी, ज़ेब हां जी, बलावल हां जी, चावल खा के बताओ चावल कैसे बने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बढ़िया नी। दाऊद बढ़िया, क्या हो तुम? लावल दसी दिन दाल पानी बस बस नहीं यार। लाल भी आ जाएंगे, मोटे लाल भी आ जाएंगे, 100 3 किलो भी आ जाएंगे, 100 रुपये 3 किलो नवे आ जाएंगे। बुलावल मेरे चौल किस तरह के बने ने? सही बने ने। सही बने ने। ज़ेहब आपने नहीं बताया हमारे चावल कैसे बने हैं? आपने चावल बहुत ही अच्छे बनाए हैं, बहुत ही मजेदार बनाए हैं। नीब स्वाद आया चावल का? हाँ जी। कितना बहुत स्वाद आया? बहुत मजा आया। अच्छा दाऊद चावल कैसे बने हैं?
बड़े मजेदार बने ने। हमारे चावल बहुत ही अच्छे बने हैं। आपको ये हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्त अहबाब के साथ और हमारा चैनल विल्ज फास्ट फूड को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।